स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावना दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में हैं। आमिर खान ने तकरीबन 4 सालों के बाद बड़े पर्दे पर अपनी वापसी की है, लेकिन उनकी फिल्म का रिलीज होने से पहले ही बॉयकॉट हो रहा है। अपनी फिल्म के रिलीज के कुछ दिन पहले आमिर खान ने मीडिया से बातचीत की और लाल सिंह चड्ढा से जुड़े हर एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान आमिर खान ने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड के बारे में पूछा गया, जिस पर एक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने कहा कि मैं दुखी हूँ, साथ ही मुझे इस बात का भी दुख है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसे भारत पसंद नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार ना करें, कृपया मेरी फिल्म देखने जरूर जाएं। आपको बता दें कि फिल्म के बॉयकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर उस समय ट्रेंड बन गया जब किसी ने उनके पुराने वीडियो के कुछ हिस्से शेयर कर दिए। इस वीडियो में आमिर खान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा देश का माहौल पिछले कुछ समय से बहुत खराब हो गया है। इतना ही नहीं, आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव ने यह भी कहा था कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए देश छोड़ने पर विचार कर रही हैं। जानवी कपूर इन दिनों सुर्खियों में हैं और अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गुड लक जेरी की सक्सेस का लुत्फ उठा रही हैं। गुड लक जेरी के प्रमोशन के दौरान जानवी से पूछा गया कि क्या वो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहेंगी, जिस पर जानवी ने कहा कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना थोड़ा सा अजीब होगा। उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े स्टार्स हैं और हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन उनके ऑपोजिट काम करना उनके लिए थोड़ा अजीब होगा, लेकिन मैं उनके साथ काम करना पसंद करूंगी। इसी बीच अगर उनके वर्क फ्रेंड की बात करें तो जानवी मिस्टर एंड मिसेस माही के लिए रूही के बाद राजकुमार राव के साथ फिर से काम करने के लिए तैयार हैं। फिर वो मलयाली फिल्म हेलेन के रीमेक मिली में सनी कौशल के साथ नजर आएंगी। ये उनके पिता बोनी कपूर के साथ उनका पहला प्रोजेक्ट होगा। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शिव शंभू भजन गाने पर सिंगर फरमानी नास विवादों में आ गई हैं। फरमानी नास को देवबंदी उलेमा ने नसीहत देते हुए गाना बंद करने के लिए कहा है। उलेमा ने कहा कि इस्लाम में किसी भी तरह के गाने की मनाही नहीं है। हालांकि फरमानी नासी ने और उनकी मां ने उलेमा को जवाब भी दिया है। फरमानी ने कहा कि वो एक कलाकार हैं, ऐसे में उन्हें हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम गाने गाते वक्त ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, किस धर्म से हैं। हम कलाकार हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता। फरमानी की मां ने फतवा जारी होने पर कहा कि ये तो उनके दिमाग की बात है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ये नहीं देख रहा है कि किसी तरह वो अपने बच्चे को पाल रही है। वो सिंगर है, वो सभी तरह के गाने गाएगी ही। फरमानी की मां ने कहा कि वो भजन भी गाती है, कवाली भी गाती है। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।